दिल्ली की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आतिशी दिल्ली की नई सीएम चुनी जा चुकी हैं और अब 21 सितंबर को वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम पद की शपथ लेंगी। इस बीच आतिशी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है, तो क्या कुछ कहा आतिशी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय सबकी निगाहें दिल्ली की सियासत पर टिकी हुई हैं। 21 सितंबर को दिल्ली वासियों को अपना नया सीएम मिलने जा रहा है। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगी। इसी दिन उनके साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा, जबकि मुकेश अहलावत को पहली बार कैबिनेट में जगह दी गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। सीएम पद की शपथ से पहले आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश की तरह बिजली की दरें बढ़ जाएंगी। बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन का चार्ज 250% तक बढ़ा दिया है। ये वो उत्तर प्रदेश की सरकार है जो मई जून की तपती हुई गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट लगाती है। बीजेपी सरकार ने गरीबों को महंगी बिजली का करंट लगाया है। बीजेपी का बिजली मॉडल है सबसे महंगी बिजली, सबसे लंबे पावर कट। यही कारण है कि दिल्ली वालों को आने वाले चुनाव में फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, वरना दिल्ली में भी बिजली महंगी होगी और लंबे लंबे पावर कट लगेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।